नमस्कार, ये दोस्तों रोज़मेरी का पौधा है जिसको हम गुल मेहंदी भी कहते हैं हिंदी में। ये मैंने कटिंग से ग्रो किया था, तो आज मैं ये रिपॉट करूँगी, बड़े वाले गमले में शिफ्ट करूँगी इसको, क्योंकि वो पहले मैंने वो छोटे वाले पॉट में लगाया हुआ है। और ये देखिए पॉट नीचे मैंने इसमें ठीकरी रख ली है और थोड़ी सी मिट्टी डाल के फिर मैं वो वाला पॉट जो है वो इसमें रख के देख लूँगी, तो फिर उसी के हिसाब से इसमें रिपॉट कर लूँगी। तो दोस्तों आज हम गुल मेहंदी के बारे में ही बात करेंगे, ये कैसे ग्रो किया जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष डोगरा स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल में। दोस्तों आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग सब ठीक से होंगे और अपने अपने काम में बिजी होंगे। तो चलिए अभी रोज़मेरी के बारे में बात कर लेते हैं कि ये कैसे ग्रो किया जाता है। ये देखिए, ये मैंने कटिंग से ग्रो किया हुआ है, ये छोटे वाले पार्ट में मैंने लगाया हुआ था, उसी में से निकाल के आज मैं बड़े वाले गमले में शिफ्ट कर रही हूँ। और इसमें मैं शिफ्ट करके फिर दोबारा और कटिंग लगाऊंगी, वो मैं कैसे लगाऊंगी और कौन सी कटिंग लगानी चाहिए वो भी मैं आगे चल के बताती हूँ आप लोगों को। और ये देखिए, ये मैंने बड़े वाले में शिफ्ट कर दिए, छोटे वाले में इसको जगह थोड़ी कम पड़ रही थी, ग्रोथ कम हो रही थी, इसलिए मैंने बड़े वाले में शिफ्ट किया। और ये देखिए, जो इसकी जो ब्रांचें निकली हुई है न्यू वाली, जो पुरानी ब्रांच है वो नहीं, जो न्यू ब्रांच निकली हुई है वो उसकी मैं कटिंग करके लगाऊंगी, क्योंकि अगर पुरानी वाली ब्रांच मैं कटिंग करके लगाऊंगी तो उसके जो चांस हैं वो कम होते हैं, तो न्यू वाली ब्रांच के जो चांस हैं वो फुल होते हैं। तो मैं ये न्यू वाली जो ब्रांचेस हैं ये कटिंग करके तो इसमें मैं और लगा दूंगी। अभी आप लोगों के सामने ही ये देखिए, क्योंकि इसको भी बुशी बनाने के लिए इसकी कटिंग भी बहुत ज़रूरी है। जैसे जैसे आप लोग कटिंग करेंगे वैसे ही ये, जैसे कोलियस के प्लांट को ये भी कटिंग करते हैं हम लोग, ऊपर से पिंचिंग करते जाते हैं, या फिर तुलसी का प्लांट हो तो वैसे ही इसकी भी ऊपर से पिंचिंग करते जाना है, कटिंग करते जाना है। और ये इतना ही बुशी प्लांट बनता जाएगा। हाँ, बात कर रहे हैं कोलियस की या फिर तुलसी प्लांट की, तो कैसे बुशी बनाते हैं, कैसे बुशी बनता है प्लांट, उसकी भी वीडियो मैंने डाली हुई है, तो आप लोग जाके देख सकते हैं। हाँ दोस्तों, अगर आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर ले मेरे चैनल को और बेल आइकन को भी प्रेस ज़रूर कर ले, ताकि मेरी जो भी न्यू वीडियो मैं अपलोड करूं उसकी जो नोटिफिकेशन है वो आप तक पहले पहुंच जाएगा। तो ये देखिए, ये मैंने कटिंग कर ली है और नीचे नीचे की जो पत्तियां इसकी ये मैंने हटा ली हैं। ये देखिए, ये भी मैं फेंकूंगी नहीं। दोस्तों ये रोज़मेरी का जो प्लांट है ये बहुत ही काम आता है, ये हमारे बालों के लिए, स्किन के लिए, हमारे खाने में, दवाइयों में ये बहुत ही जगह यूज़ होता है, ये बहुत ही काम की चीज़ है। तो आप लोग भी अपने गार्डन में ज़रूर लगाएं। ये दोस्तों कटिंग से भी लगाया जा सकता है, या फिर आप नर्सरी में जाके वहाँ से
परचेज कर सकते हैं। तो फिर एक बार अगर आप वहाँ से ले आएंगे तो उसकी फिर एक पौधे से आप लोग कई सारे पौधे जो है वो बना सकते हैं, जैसे मैं बना रही हूँ, ये आप देख ही रहे हैं। और ये सीड से भी ग्रो किया जा सकता है, लेकिन सीड से मैंने YouTube में पढ़ा था कि सीड से जो है वो उसमें बहुत ही टाइम लगता है ग्रो होने में। तो सबसे जो आसान और बेस्ट जो तरीका है वो है कटिंग का। आप कटिंग इसकी लगाते जाए तो ये बहुत ही जल्दी बढ़ेगा। जैसे बड़ा होगा ऊपर से और कटिंग लेके आप लगा सकते हैं। और ये देखिए, ये मैंने जैसे ये कोलियस के पौधे हैं, ये भी सारे के सारे मैंने कटिंग से ही ग्रो किए हैं। और इसकी भी आज मैं कटिंग लगा के आप लोगों को दिखाऊंगी, क्योंकि मेरे पास तो बहुत सारी वैरायटी है और मैं ऐसे ही करती हूँ। हमने एक डॉगी पॉल रखा है, तो वो क्या करता है कि रोज़ एक आध जो ब्रांच है वो तोड़ देता है, तो मैं उसको फेंकती नहीं हूँ, वो मैं उठा के कहीं ना कहीं बस लगा देती हूँ, किसी गमले में जहाँ भी जगह मिले। जैसे ये देखिए, ये नर्सरी से पौधे लाते हैं तो छोटे छोटे ये बैग मिलते हैं ना, ग्रो बैग, तो मैं ये फेंकती नहीं हूँ, रखती जाती हूँ। तो देखिए, जैसे मैंने इसमें ये लगा दिया, इसमें मैंने इसीलिए लगाया अगर किसी को जैसे चाहिए होता है, कोई मांग ही लेता है, तो फिर मैं ये उठा के उनको दे दूँगी। ये बड़ी आसानी से इसकी कटिंग जो है वो लगाई जा सकती है। ये देखिए, छोटी से छोटी कटिंग भी इसकी लग जाती है। इसको पानी जो है वो कम ही देना चाहिए, नहीं तो ये गल जाता है, ज़्यादा पानी से ये गल जाता है। इसको कम पानी चाहिए, जब इसकी मिट्टी अच्छे से सूख जाए तभी इसको पानी देना चाहिए। ये देखिए, ये हमारा पौधा जो है, ये एक ग्रो बैग में हमारे तीन पौधे जो हैं वो तैयार हो जाएंगे। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है ना, ये भी देखिए। ऐसे ही मैंने बहुत सारे मैंने इसके कोलियस के रंग बिरंगे गमले तैयार किए, बहुत सुंदर लगते हैं। ये देखिए, एक ये है। हाँ, अगर ये जो कोलियस के प्लांट है जैसे बढ़ते जाते हैं ना, तो नीचे से इसकी अगर डंडियाँ खाली दिखने लगे तो फिर इसकी कटिंग जो है वो दूसरी जगह ज़रूर लगा लेनी चाहिए, क्योंकि फिर वो धीरे धीरे करके प्लांट जो है वो ख़त्म होता जाता है। जैसे ये प्लांट भी है, इसकी डंडियाँ डंडियाँ सी दिख रही हैं, तो इसकी मैंने देखी 4-5 कटिंग जो है वो मैंने ले ली है, और कलर की भी ले ली है। ये भी मैं एक पॉट में लगा दूँगी, जिस कलर की जिसको चाहिए होगी वो मैं दे दूँगी। कलर तो वैसे इसके सभी के सभी बहुत ही सुंदर है। ये देखिए, मैंने एक गमला तैयार कर दिया, गुलदस्ता टाइप। ये कलरफुल जब सारे के सारे जब बड़े होंगे तो बहुत ही सुंदर लगेगा। तो आज का वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ, मिलते हैं अगली नई वीडियो में।